Hi guys, I'm Debashid Alam this side and welcome to Smart SC Point. Guys, आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉन्सिक्वेंसनेस एंड साइंटिफिक नेम एंड नेमेनक्लेचर रूल, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। तो हम लोगों को देखना है आज हम लोगों को जो है मेटाबॉलिज्म कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इससे पहले वाला लेक्चर जो हम लोग लिविंग वर्ल्ड के अंदर, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन देख चुके हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है? द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन विच आर अकर इनसाइड द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। बॉडी के अंदर जितना सारा लिविंग रिएक्शन होता है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक एनाबॉलिज्म एक कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म के अंदर और कैटाबॉलिज्म के दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एनाबॉलिज्म में क्या है, कोई भी चीज़ फॉर्मेशन होता है, मानी सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट होकर वो फॉर्मेशन करता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है तो वो कन्वर्ट होकर जो है सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड तैयार करता है तो उसके दौरान जो भी रिएक्शन ये होता है वो एक एनाबॉलिज्म का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और कैटाबॉलिज्म के अंदर अगर हम रिस्पायरेशन की देखा जाए, एज ए रिस्पायरेशन में जो है क्या होता है, जो कंपाउंड होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो टूट कर जो है सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज़ द प्रोसेस विच कंपाउंड आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। और इसमें जो है कैटाबॉलिज्म के अंदर इट इज़ द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट इन टू द सिंपल कंपाउंड, इसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक आगे देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं आप कि ये एनाबॉलिज्म जब इस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, सनलाइट और कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। सेम इसी तरह से जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जब साथ आपस में रिएक्ट करता है तो एनर्जी रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल है कैटाबॉलिज्म का जो रिस्पायरेशन में प्रोसेस में होता है। कुछ बातें हैं मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं होता है, ठीक है। नो नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है किस में नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो है हम बॉडी के बाहर आउटसाइड में उसको क्या कर सकते हैं, फ्री सिस्टम में कर सकते हैं, ठीक है। एंड मेटाबॉलिज्म एक डिफाइंड फ्यूचर कहा जाता है, डिफाइंड फ्यूचर में आता है। क्यों डिफाइंड फ्यूचर में आता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है सब के अंदर ये जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो है ये प्रोसेस होता है, इसलिए जो है डिफाइंड फ्यूचर में आता है विदाउट एक्सेप्शन, मैंने कोई एक्सेप्शन के बगैर जो है ये प्रोसेस क्या होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये दिखता है, इसलिए हम लोग ये डिफाइंड फ्यूचर में मानते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे का जो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम लोग देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप का होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म से मतलब ये होता है कि सिंगल सेल, मैंने जो जिस ऑर्गेनाइज्म के अंदर सिंगल सेल बॉडी का होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म कहते हैं। सिंगल सेल के अंदर हम लोग एमोबा पैरामोशियम वगैरह को देख पाते हैं, बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया होता है जो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर के अंदर जो है एक से ज़्यादा सेल होता है, मोर देन वन सेल पर्जन, तो उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म कहते हैं। आमतौर पर ह्यूमन प्लांट वगैरह के अंदर हम लोग देख पाते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइज्म भी क्या होता है, डिफाइंड फ्यूचर में आता है। क्यों डिफाइंड फ्यूचर में आता है कि जितना सारा लिविंग ऑर्गेनाइज्म है वो कहीं ना कहीं सेल से बना हुआ होता है, मेडअप होता है, इसलिए क्योंकि नॉन लिविंग थिंग होता है तो वो सेल उसके अंदर सेल होता नहीं है, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइज्म जो है क्या होता है, एक डिफाइंड फ्यूचर ऑफ द लाइफ माना जाता है। अब आके आते हैं कॉन्सिक्वेंसनेस, ये भी एक लिविंग के जो है एक कैरेक्टरिस्टिक में अंदर आता है। कॉन्सिक्वेंसनेस होता क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलाइज।
स्टिमुलस के मतलब जो स्टिमुलस होता है उसके खिलाफ उसके उसके मुकाबले में जो रिस्पॉन्स देता है अपने बाहर के इन्वायरमेंट को सराउंडिंग में जो कुछ भी होता है उसको सेंस कर पाते हैं। तो ये एबिलिटी है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, ये एबिलिटी होता है, ये सेंस ऑर्गन किसी चीज़ को एक सेंस कर सकता है। जो फाइव सेंस ऑर्गन की मदद से वो क्या कर सकता है, वो उस सभी चीज़ को सेंस कर सकता है। देखने का हो तो देखने का सेंस जो है कर सकता है, छुएंगे तो उसको स्किन में टच होने का फीलिंग होगा। तो ये सभी जो है क्या है, कॉन्सिक्वेंसनेस है। जैसे वूमन के अंदर सेल्फ कॉन्सिक्वेंसनेस इसलिए कहा जाता है कि सेल्फ कॉन्सिक्वेंसनेस क्या है, अगर कुछ भी घटनाएं होता है तो वो सेल्फ रियलाइज़ करके बता सकता है कि मुझे ये हो रहा है। और वही चीज़ अगर मान लो एक काऊ वगैरह में अगर उसको चीज़ होता है तो वो बोल नहीं पाता कि मुझे कुछ हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वूमन के अंदर जो होता है कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है, वो सेल्फ कॉन्सिक्वेंस नहीं कहा जाता है। कॉन्सिक्वेंसनेस भी इज एल्सो वे डिफाइंड फ्यूचर, कॉन्सिक्वेंसनेस भी ये डिफाइंड फ्यूचर में माना जाता है। क्यों डिफाइंड फ्यूचर में माना जाता है, कि नॉन लिविंग थिंग के अंदर जो है ये कॉन्सिक्वेंसनेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक जो है हम लोग देखे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन से यहाँ भी पूछा जाता है, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर यहाँ पूछता है। तो आगे हम लोग जो है देखने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर ऑफ टाइप ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, मैंने इस पूरी पृथ्वी में ज़मीन के अंदर जो है जितना टाइप का वैरायटी टाइप का नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पाया जाता है तो वो जो है क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी से हम लोग क्या दर्शाते हैं उसको, इसको जो है बताते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एक द नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब द रेंज 1.7 to 1.8 million। अब तक का जो है जितना स्पीसीज का जो डिस्क्राइब किया गया है 1.7 से लेकर 1.8 million स्पीसीज का डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। नोमेनक्लेचर, अब देखते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर होता है क्या है, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो है नाम देने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर के अंदर आगे हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल बायनोमियल नोमेनक्लेचर या बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखो बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोले, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर बोले या साइंटिफिक नेम बोले, ये तीनों ही जो है क्या होता है, ये तीनों को एक ही नाम से हम लोग जाना जाता है, ठीक है। तो इस सिस्टम को सबसे पहले जिसने दिया था वो कार्लस लेनियस ने दिया था, और ये सिस्टम जो है दो नामों पे कंसिस्ट करता है। दिस सिस्टम इज कंसिस्ट टू नेम, वन इज जेनेरिक नेम, अदर इज स्पेसिफिक नेम, दो नाम पे कंसिस्ट करता है। अब ये कुछ रूल है नोमेनक्लेचर, अगर कोई भी चीज़ का अगर नाम रखने जाते हैं, अगर हम लोग एक कोई जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर लिया जाए, अगर घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो अगर एक इस एक नाम रखा जाता है तो हम लोग बहुत सारा चीज़ देखते हैं, मैंने माँ बाप के नाम के हिसाब से रखते हैं या फिर बाप के नाम से रखते हैं या माँ के नाम से रखते हैं या दादा के नाम से, मतलब उसकी जो मिलता है तो रिलेटिव जो है टर्म हम लोग क्या करते हैं रखते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम कोई चीज़ अगर नया चीज़ खोजते हैं या नया लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं तो उसको जो है नाम रखने से पहले उसको बहुत सारा रूल होता है, उसको वैसे ही नहीं रख सकते हैं। तो उस तरह से एक रूल बायोनोमियल साइंटिफिक नेम रखने के लिए, दुनिया का इतना सारा चीज़ है सबका एक साइंटिफिक नेम होता है, और साइंटिफिक नेम इसलिए जो है ये रखा, मतलब जो है साइंटिफिक नेम इसलिए जो है ये किया गया, अरेंज किया गया कि अगर साइंटिफिक नेम अरेंज ना किया हुआ था, नहीं रखा जाता तो बहुत सारा चीज़ों को जो है मतलब कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इसलिए जो है इसको कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए जो है साइंटिफिक नेम रखा गया है, ताकि जितनी जहाँ भी कोई भी लोग जहाँ किसी तरह से उस चीज़ को जो है आसानी से जो एक नाम से जो सब कोई उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर के अंदर हम लोग जो रूल क्या आता है कि इट इज़ जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक, इसको जो है किस में लिखा जाता है, लैटिन में है और लिखने का जो है उसका रिटन है वो इटैलिक में लिखा जाता है। एंड इट कंसिस्ट टू कंपोनेंट, वन इज जेनेटिक नेम, अदर स्पेसिफिक एपिथेट, मैंने एक जो है जेनेटिक नेम होता है, अदर स्पेसिफिक एपिथेट होता है। मैक्सिमम लेटर जो यूज़ करते हैं उसमें किसी भी साइंटिफिक नेम के अंदर 12 लेटर यूज़ करते हैं और मिनिमम 3 लेटर यूज़ करते हैं। फर्स्ट वर्ड डेट यूज विद द कैपिटल लेटर विल द सेकेंड वर्ड स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, जो क्या पहला वर्ड जो हम लोग के साइंटिफिक नेम का जो होता है वो कैपिटल लेटर का होता है, जो दूसरा वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर का होता है। और टोटो नेम आर नॉट एक्सेप्ट इन प्लांट नोमेनक्लेचर बट एक्सेप्ट इन एनिमल। टोटो नेम होता क्या है कि जब कोई भी साइंटिफिक नेम दोनों क्या होता है, जो स्पेसिफिक एपिथेट और जेनेरिक दोनों सेम होता है, अगर मान लो कि स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक नेम दोनों अगर सेम होता है तो उस तरह का जो है नाम नोमेनक्लेचर उस तरह का साइंटिफिक नेम को बोला जाता है, टोटो नेम कहा जाता है, ठीक है। तो टोटो नेम जो है क्या नहीं होता है,
टोटोनिम किस में एक्सेप्ट नहीं होता है? टोटोनिम जो है प्लांट में एक्सेप्ट नहीं होता है। जैसे गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम दिया गोरिल्ला, गोरिल्ला दोनों क्या है स्पेसिफिक नेम और जेनेटिक दोनों क्या है सेम है। तो इस तरह से अब अगर हम कुछ और एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे रैट का देखा जाए, रैट का क्या होता है रेटस, साइंटिफिक होता है रेटस, रेटस। देखो एक चीज़ हम ये समझाने के लिए यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं, जब भी उसको हैंड रेटिंग करेंगे तो उसको नीचे अंडरलाइन करना पड़ता है। पहला लेटर स्पेसिफिक जेनेटिक नेम का क्या होता है कैपिटल, और दूसरा क्या है स्मॉल लिखना है, सॉरी स्मॉल लिखना है। और ये भी याद रखना है कि जब भी हैंड रेटिंग करेंगे तो उसके नीचे क्या करना है अंडरलाइन करना है। और मैक्सिमम लेटर जिसमें जो यूज होता है ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है 12 लेटर होता है, और मिनिमम कितना होता है 3 होगा। और यहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है इस्तेमाल कर सकते हैं 12 इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम 3, चाहे दोनों में या इस पहला नाम हो या दूसरा नाम हो, हम मैक्सिमम 12 लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनिमम 3। अब इसी तरह से कोबरा का होता है साइंटिफिक नेम क्या होता है, कोबरा का हो जाता है कोबरा, कोबरा का नाम तो जानते ही हो, कोबरा होता है नाजा। नाजा भाई पहले तो आप लोग को मना कर देता कि नाजा नाजा जाओगे तो क्या होगा, अंजाम सोच के जाना ठीक है, और जाओगे ही अंजाम सोच के जाना है, तो इसलिए जो है ये नाजा नाजा पहले ही मना कर देता है कि मत आओ मेरे पास। तो कोबरा का साइंटिफिक नेम क्या है नाजा नाजा, तो ये चीज़ याद रखना है। साइंटिफिक नेम के अंदर आपका दो नाम आता है, एक स्पेसिफिक, एक जेनेटिक, पहला वाला जेनेटिक जो कैपिटल लेटर है, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेलियल, ठीक है दो नेम पर कंसिस्टेंट है। और जब भी दोनों नाम अगर सेम होता है इसको बोलते हैं टोटोनेम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब कुछ एक और भी बहुत बेहतरीन चीज़ आपको याद रखना है ICBN। ICBN क्या है इंटरनेशनल बोर्ड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। जितना सारा प्लांट है दुनिया में, अगर कोई भी अगर प्लांट अगर न्यू प्लांट अगर डिस्कवर होता है, अगर उसका नाम नोमेनक्लेचर अगर किए कोई भी संस्था अगर ऑर्गेनाइजेशन करता है तो ये ICBN करता है। ICBN वर्ल्ड की जितने सारे न्यू डिस्कवर प्लांट होता है उसका अगर डोमेन साइंटिफिक नेम अगर नोमेनक्लेचर करना है तो ICBN के जरिए दिया जाता है, ठीक है याद रहेगा इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ये अच्छी तरह से याद रखना है। ये इसका एब्रीविएशन जो है हमें यहाँ तक कि नीट्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। अब ICBN का क्या क्या होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखो इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंदर आपका जाता है ICBN, एक आता है ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है नाम रखने का जो कोड है इसके जरिए रखा जाता है ICBN के जरिए। और ICVCN क्या होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ये चारों कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद कर लेना अच्छी तरह से कि सबका क्या क्या फुल फॉर्म है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, भला क्या होता है जब भी किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं उसको, कैसे हम लोग उसको नाम में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं ग्रुप में। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई हमको जो होना ज़रूरी है, तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, मैंने बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक आपस में मिलता है तो पर्टिकुलर जी उसको क्या करते हैं इस पर्टिकुलर एक ग्रुप में रखते हैं, फिर उसको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। तो आइडेंटिफाई हम लोग कैरेक्टर की बेसिस में करते हैं। व्हेन द ऑर्गेनाइज्म इज डिस्क्राइब, जब कोई भी ऑर्गेनाइज्म डिस्क्राइब होता है करेक्टली एंड वी नो व्हाट द ऑर्गेनाइज्म नेम एंड अटैच टू दिस टू कॉल आइडेंटिफिकेशन। व्हेन जब भी कोई भी हम ऑर्गेनाइज्म को अगर डिस्क्राइब करते हैं तो हमें उसका नाम उसके अटैच के हिसाब से जो है उसको क्या करते हैं उसको अटैच करते हैं। इस तरह का जो हम लोग डिस्क्राइब करने की जो प्रोसेस को करते हैं आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाई विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैटेगरीज, मैंने जो कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से उसके मुताबिक जो है हम लोग क्या करते हैं बहुत सारा कन्वीनियंट ग्रुप में कैटेगरीज में क्या करते हैं बांटते हैं, तो उसी बांटने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब बात करते हैं टैक्सा, यूज टू कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी कैटेगरी, जितना सारा कैटेगरी इस्तेमाल करते हैं जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे स्पीसीज रैंक फाइलम जो फाइलम पढ़ते हैं स्पीसीज पढ़ते हैं है ना, और इसके अलावा हम लोग जो है क्या पढ़ते हैं किंगडम पढ़ते हैं, ये सब चीज़ हम लोग जो आगे पढ़ेंगे। तो ये कैटेगरीज हैं जितना सारा कैरेक्टरीज ये कैटेगरीज को हम लोग हमको टैक्सा के भी कहते हैं, इसको रैंक भी बोलते हैं ठीक है, ये भी याद रखना है टैक्सा बोले कैटेगरीज बोले
तो वो किसके अंदर आता है? अब जितना सारा कैटेगरीज है इसके लिए हम लोग टेक्सा यूज़ करते हैं, इसको रैंक भी बोल सकते हैं। अब आते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक टर्म जो गिविंग जिसकी जगह एपी कंडोले ने एक टर्म दिया था। एपी कंडोले ने टैक्सोनॉमी टर्म दिया था। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन किसे कहलाता है? कार्लस लीनियस को। ऑल ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासीफाई इनटू द डिफरेंट टैक्सा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, माने जितना सारा ऑर्गेनिज्म है सबको जो है डिफरेंट टैक्सा में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। और इससे हमें क्या मिलता है? कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी, जो आगे की टैक्सोनॉमिक स्टडी में क्या करता है? एक टैक्सोनॉमी हेल्प करता है। सिस्टमेटिक, देखिए सिस्टमेटिक क्या है? रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर डेरिवेटिव्स, माने जो ऑर्गेनिज्म और उसके जो है डाइवर्सिटी के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या करते हैं? सिस्टमेटिक बोला जाता है। और सिस्टमेटिक टर्म का जो प्रपोज किया था वो कार्लस लीनियस की जरिए ये थ्योरी प्रपोज किया गया था, मैंने उन्होंने ये टर्म सबसे पहले बताया था। तो आगे हम लोग और भी चीज़ अगर देखना है इसके उससे रिलेटेड, हम लोग जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखना है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर हम लोग जो है जैसे बताया हमने स्पेसिफिक एपिथिक जेनेरिक नेम फैमिली देखना है ना, फाइलम देखना है, किंगडम देखना है, ये सब चीज़ हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखेंगे, हायरार्की देखेंगे जिसके अंदर आता है। और उसके बाद टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ के ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ये चैप्टर एंड होने के बाद हम लोग जो है इस चैप्टर से लगभग जितना एमसीक्यू बनेगा एनसीईआरटी लेवल का हम सब एमसीक्यू देखेंगे। उसके बाद प्री एग्ज़ाम में जो आने वाले जो आए हुए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उसको भी सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा नीट और एम्स में पूछे गए जितना सवाल है क्वेश्चन है उसको भी हम लोग इसको हल करेंगे इस चैप्टर से। तो आज के लिए इस लेक्चर को इतने ही यहीं पर विराम करते हैं। और थैंक यू सो मच, वेलकम टू